साथियों, मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ जो सूचना सहायक भर्ती के मेरे छात्र हैं, मेरे साथी हैं। साथियों, आपकी जानकारी में है कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सूचना सहायक भर्ती में 450 पदों पर पद वृद्धि का कार्य हो सके। इस मांग को लेकर साथियों लगातार पिछले लंबे समय से DOIT विभाग के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और जो सरकार के लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि साथियों अगर एक भर्ती में एक पद भी बढ़ता है तो एक घर में रोजगार मिलता है, एक पूरे परिवार को संबल मिलता है। अगर ये 450 पद है, अगर इनकी वृद्धि इस भर्ती में हो जाती है, बढ़ जाते हैं, तो इस भर्ती में साथियों ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे युवा साथी लगातार मेरे को कह रहे हैं कि मनोज भाई परिणाम पे आप बात करिए, मेरे लोगों आप एक बात समझो कि परिणाम भर्ती का आना है और पद वृद्धि के मामले से परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद वृद्धि टाइपिंग के जो रिजल्ट है उससे पहले कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि पद वृद्धि का कार्य परिणाम से पहले ही हो जाए, जिससे जो परिणाम आए वो 450 प्लस पदों के साथ में जारी हो, जिससे कम से कम 450 छात्रों को एक्स्ट्रा टाइपिंग देने का मौका भी मिले और उन छात्रों को खुशी भी मिले जो फाइनल सिलेक्टेड हो सकेंगे। तो साथियों आप सबसे मेरा निवेदन है, जो वास्तव में चाहते हैं कि सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि हो सके, मैं तो मेरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी इसमें मेरा साथ देना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। साथियों सोमवार को फिर से एक बार हमको DOIT विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करनी है और आरती डोगरा जी से मुलाकात करनी है। 450 पदों की मांग को लेकर आपने देखा होगा कि मैडम ने भी पुष्टि करी है कि ये पद बढ़ने चाहिए। तो साथियों आप सब युवाओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सब युवाओं को सोमवार को 11 बजे राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के कार्यालय पे आके यहाँ से DOIT ऑफिस चलेंगे। अगर आप लोग अपने खुद के लिए नहीं आओगे तो कल के दिन अगर ये पदों में कोई दिक्कत होती है तो इसका जिम्मेदार मनोज नहीं होगा, इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप लोग खुद घरों से नहीं निकल रहे हो। तो साथियों ये आपकी कमी है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए लगातार इस धूप में भाग दौड़ कर रहा हूँ, कितनी परेशानियां झेल रहा हूँ, उसके बावजूद भी आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप लोगों को घरों से निकलना होगा और इस मामले में मजबूती से साथ देना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परिणाम पे कोई इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 2-5-10 दिन अगर परिणाम आगे पीछे होता है तो उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर ये 450 पद मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी संघर्ष की जीत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो मेरे भाई जो बहुत नजदीक है उनको मौका मिलेगा, एक सजीवन मूर्ति की तरह ये पद काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप साथ दीजिए, घरों से निकलिए और सोमवार को 11 बजे आप रायसम के प्रदेश कार्यालय पर जो गणेश मार्ग गोपाल नगर रिद्धि सिद्धि पर स्थित है यहाँ पहुंचिए। यहाँ पहुंचने के बाद में कोशिश करेंगे सेक्रेटरेट के अधिकारियों से भी मिलके और सरकार के नेताओं से भी मिलके कि हम ये कार्य करवा सके। अब साथियों ये लड़ाई आप सबके ऊपर निर्भर करती है, मैं तो मेरी तरफ से मजबूती से लड़ रहा हूँ, अब ये लड़ाई की दिशा आप सब लोग तय करेंगे, आप सब लोगों की मजबूती होगी तो ये कार्य जरूर होगा। और किसी भी मेरे युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो युवा बार बार कहते हैं कि मनोज भाई परिणाम कब आएगा, तो साथियों परिणाम को लेकर हमको मैंने पूरा बताया हुआ है, पहले जो परिणाम पेंडिंग है उनको निकालेंगे, उसके बाद में सीटी की लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद में परिणाम आपका आना है। लेकिन साथियों हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस समय विभाग के अधिकारियों ने करीबन 10 दिन का समय मांगा था जो अब खत्म होने वाला है, तो उनसे मिलेंगे। और ये फाइल को लेके उस समय लोग पूछ रहे थे कि मनोज भाई वित्त विभाग जाएगी नहीं जाएगी, तो साथियों मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, वित्त विभाग से इस फाइल की जाने की संभावना ना के बराबर बताई अधिकारियों ने, यानी कि एक बार बस जो भी डाटा इनके पास पूरा कंप्लीट हो जाए और फाइल को अपने से बड़े अधिकारियों के पास ये भेज के और फाइल को अप्रूव कराना है, उसके बाद में फाइल को कर्मचारी चयन बोर्ड भेज देंगे। और साथियों मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, बार बार कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े संघर्ष की जीत होगी, 450 घरों में खुशियां मिलेंगी, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें आप साथ आइए, साथ दीजिए तो ये कार्य संपन्न हो जाएगा। सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।